एक समय की बात है, एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और अचानक तभी बहुत तेज बिजली कड़कती है। उसकी आवाज से मोटू जाग जाता है। फिर मोटू खिड़की के पास जाकर देखता है, तभी मोटू को एक बच्चे की आवाज आती है। फिर मोटू अपने घर के बाहर देखता है तो मोटू को एक बच्चा दिखता है। फिर मोटू उस बच्चे को अपने घर में ले आता है और अपने पास सुला लेता है। रात को जब मोटू उठता है तो वो देखता है कि बच्चा वहाँ पे नहीं होता है। तब मोटू उस बच्चे को अपने घर में ढूंढता है और मोटू को वो बच्चा मिल जाता है। तभी अचानक वो बच्चा हवा में उड़ने लगता है। मोटू बहुत डर जाता है। तभी वो बच्चा मोटू को अपने जंगल में लेके जाता है और मोटू के आगे पीछे घूमने लगता है। तभी वो बच्चा गायब हो जाता है। मोटू वहाँ से भाग जाता है। तभी पतलू उठ जाता है और मोटू को ढूंढने लगता है। फिर पतलू मोटू को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। फिर मोटू घर में आकर छुप जाता है। तभी अगले दिन पतलू मोटू को सारी बात पूछता है। तभी मोटू उसे बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। तभी मोटू पतलू प्लान बनाते हैं कि उस बच्चे से छुटकारा कैसे पाएं। तभी अगली रात मोटू और पतलू मिलकर उस बच्चे की आवाज का इंतजार करते हैं। तभी अचानक उन्हें उस बच्चे की आवाज सुनाई देती है। मोटू और पतलू बहुत डर जाते हैं। तभी पतलू को एक आइडिया आता है। पतलू सारी बात मोटू को बता देता है। तभी पतलू जाकर समोसे ले आता है और मोटू को समोसे दे देता है। मोटू सारे समोसे खा लेता है। फिर मोटू अपने घर के आगे जाता है और उसे वो बच्चा दिखता है। मोटू उस बच्चे को मार देता है और वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। फिर मोटू पतलू बहुत खुश हो जाते हैं।